ये देखिए गाइस, पूरा का पूरा पुल टूटने वाला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रोड का अभी अभी बुरा हाल हो चुका है, पूरा का पूरा रोड घिर के ख़त्म हो चुका है। गाड़ियाँ देखो कैसे पीछे आ रही है, वापस आ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा का सारा रोड ब्यास नदी में समा चुका है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा रास्ता ख़त्म हो चुका है और पत्थर भी घिरने शुरू हो गए ऊपर से। तो गाइज लोग कैसी जान बचा रहे हैं अपनी आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें गाइज, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो गाइज़ वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सभी, आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आप देख सकते हैं ब्यास नदी का बहाव कितना ज़्यादा है। यहाँ पर गाइज तबाही का मंजर देख सकते हैं आप, किस तरीके से चला हुआ है। तो आप ब्यास नदी को देख सकते हैं। यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं ब्यास नदी के बहाव को देखने के लिए। लोगों के अंदर इतना खौफ बैठा हुआ है कि लोग अपने घरों को खाली कर रहे हैं और कहीं सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं। तो आप देख ही सकते होंगे कि किस तरीके से लोग जा रहे हैं। यहाँ पे जो है सभी लोग हैरान हो चुके हैं इस ब्यास के बहाव को देख कर। लोग जो है ट्रकों में अपना सामान भर रहे हैं, जिनके भी घर ब्यास नदी के किनारे हैं, सभी यहां से अपने अपने घरों को खाली करके कहीं सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा खतरा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से रोड घिर रहा है, जगह जगह से लैंडस्लाइडिंग हो रही है। तो आप देख सकते हैं लोगों में खौफ बना हुआ है एक तरह का। ये जो पुल देख रहे हैं गाइज आप, ये कुछ समय के बाद गिरने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस भी तैनात है, क्योंकि ये वाला रोड बंद कर दिया गया है पत्थर लगा के, क्योंकि आगे जो है पुल है जो मैंने अभी अभी दिखाया, तो वहाँ पे वो कभी भी गिर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये वाला पुल जो आप देख रहे हैं काफ़ी मज़बूत पुल बना हुआ है। इसके नीचे जो पिलर है काफ़ी मज़बूत है, इसमें जो है साइड से ये टूट चुका है। यहाँ पे किसी का घर बना हुआ था तो वो भी गिर चुका है और ब्यास नदी में समा चुका है। ये जो पुल है गाइज, ये है नगर वाला पुल है ये। तो यहाँ पर जो रोड जो है लैंड स्लाइडिंग हो रही है बीच बीच में। यहाँ पर जो है गाइस गाड़ी कैसे समा रही है ब्यास नदी में, आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। गाइज ये जो ब्रिज देख रहे हैं आप, ये मनाली के लिए वाला ब्रिज है। तो यहाँ पे पतली कुल बोलते हैं, पतली कुल। तो ये जो आप नाला देख रहे हैं, देख सकते हैं आप इसका बहाव बहुत ज़्यादा है और ये पूरा का पूरा नाला आ रहा है इस टाइम। तो आप देख सकते हैं ब्रिज के ऊपर कोई भी गाड़ियाँ नहीं जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर बंद किया गया है ये भी। तो फ्रेंड्स, पार को जो आप देख रहे हैं ये है गाइज पूरा का पूरा नाला आ रहा है, जो कि पूरे पहाड़ को जंगल को चीरता हुआ नदी में समा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा नाला है। इस रोड को आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा रोड पत्थरों से भरा हुआ है, जगह जगह से पत्थर गिर रहे हैं। ये है गाइज मनाली 15 मील का रोड। तो यहाँ पर जो है नदी का बहाव देख सकते हैं कितना ज़्यादा, आगे जो है बिल्कुल रोड बंद हो चुका है। ये रोड जो आप देख रहे हैं ये दिल्ली मनाली वाला रोड है, पूरी तरह से टूट चुका है, बिल्कुल बंद हुआ है ये रोड। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ियाँ बैक आ रही है, क्योंकि आगे रोड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, तो पीछे की ओर गाड़ियाँ ला रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे लोग अपनी जान को बचा रहे हैं।
तो देख सकते हैं गाइस, रोड बिल्कुल ख़त्म हो चुका है पूरे तरीके से। तो फ्रेंड्स, सामने से जो है आदमी आ रहे हैं, तो देखो गाइस, ऊपर से पत्थर आता है और ये बाल बाल बच जाता है। तो आपसे मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, कहीं भी बाहर मत जाइएगा। तो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो? आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करें। तो गाइज, मिलते हैं अब अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।